बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा थी। उस दिन का चांद आपको अन्य पूर्णिमा की तरह ही सामान्य लग रहा होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। इस दिन सुपर मून था। भारत में हर बुद्ध पूर्णिमा पर वन्य जीव गणना होती है। इस बार भी होनी थी, लेकिन कई जगहों पर नहीं हो पाई। 24 घंटे की जाने वाली वन्य जीव गणना सुपर मून की स्थिति में तो और भी ज्यादा प्रभावित होती, लेकिन इस बार बारिश के कारण कई जगह यह गणना नहीं हो पाई। आमतौर पर बुद्ध पूर्णिमा मई के महीने में पड़ती है। ये वो समय होता है जब भारत में शहर और गांवों में ही नहीं, जंगलों में भी पानी का जमाव सूख जाता है। ऐसे में सिर्फ बड़े वाटर सोर्स ही पानी का एकमात्र सहारा होते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए वन्य जीव गर्मी के महीने में इन वाटर सोर्सेस पर अपनी प्यास बुझाने आते हैं। इस बार तावते तूफान के कारण हुई बारिश से जंगल के अंदर ही कई छोटे छोटे गड्ढों में पानी एकत्रित हो गया। इससे वन्य जीवों को पानी की निर्भरता के लिए इन बड़े जल स्रोतों पर आने की आवश्यकता नहीं रही। भारत में टाइगर सेंचुरीज को छोड़ दिया जाए तो शेष वन्य जीव अभयारण्यों और सेंचुरीज में वन्य जीव गणना मैनुअल ही होती है। इसमें मई के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को, जो कि बुद्ध पूर्णिमा होती है, मुख्य जल स्रोतों के पास मचान बांध दी जाती है। पूर्णिमा की सुबह से लेकर अगली सुबह तक मचान पर वॉलंटियर जल स्रोतों पर नजर रखकर वन्य जीवों की गणना करते हैं। पूर्णिमा होने के कारण रात में भी जंगलों में पर्याप्त रोशनी बिखरी होने से रात को भी जल स्रोतों के पास आने वाले वन्य जीव गिने जा सकते हैं। भारत में वन्य जीवों की मानवीय गणना के अलावा तकनीकी गणना भी होती है। इसमें कैमरों, रेडियो ट्रैकर आदि का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह गणना काफ़ी महंगी होती है, इसलिए हर जगह पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। कई जानवरों के लिए यह सूटेबल भी नहीं होती है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य के उप वन संरक्षक विजय शंकर पांडे ने बताया कि टाइगर्स की बॉडी पर जो लाइंस होती हैं उनके बीच की दूरी को देखकर दो टाइगर्स में अंतर किया जा सकता है, लेकिन भालू जैसे वन्य जीवों में यह मुश्किल है। ऐसे में एक ही प्राणी के दोबारा गणना की आशंका रहती है। गणना के बाद कुछ फॉर्मूलों के माध्यम से एरर निकाली जाती है और फिर अंतिम गणना जारी की जाती है। जंगलों में बिखरे हुए अनेक छोटे छोटे गड्ढों पर 24 घंटे रुककर गणना करना मुश्किल है। इतना मानव संसाधन और पानी से भरे हुए गड्ढों की जानकारी मिलना भी मुश्किल है। माउंट आबू वन्य जीव सेंचुरी के उप वन संरक्षक विजय शंकर पांडे ने बताया कि इस बार बारिश होने की वजह से वन्य जीव गणना अगले महीने की पूर्णिमा को की जाएगी। हर पूनम को चांद निकलता है, जो कि पूर्ण चांद होता है, लेकिन पूनम के चांद के आकार में भी बदलाव होता रहता है। इसे समझने के लिए पृथ्वी और उस ऑर्बिट को समझना होगा जिसमें चंद्रमा घूमता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा पथ के केंद्र में पृथ्वी होती है, लेकिन चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर का परिक्रमा पथ गोलाकार ना होकर इलिप्टिकल यानी अंडे के आकार का होता है। इसमें भी पृथ्वी इस पथ के बिल्कुल बीचों बीच ना होकर केंद्र से कुछ दूरी पर होती है। ऐसे में कई बार चंद्रमा के केंद्र की दूरी पृथ्वी के केंद्र से सामान्य दूरी से ज़्यादा दूर हो जाती है, जो करीब 4,05,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इस स्थिति को दूरस्थ स्थिति कहते हैं। इस दिन यदि पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा का आकार सामान्य दिनों में पूर्णिमा के चंद्रमा से कुछ कम होता है। चंद्रमा के पृथ्वी से दूर होने के कारण रोशनी भी कम आती है। इस दिन के चंद्रमा को माइक्रोमून कहा जाता है। इसी तरह जब चंद्रमा पृथ्वी के अंडाकार पथ पर पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को पेरिजी कहते हैं।
इस स्थिति में यदि पूनम होती है तो चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण उसका आकार माइक्रोमून की स्थिति से करीब 16% बढ़ा और सामान्य पूर्णिमा की रात के चांद से करीब 6% बड़ा होता है। वहीं पृथ्वी पर इससे आने वाली रोशनी माइक्रोमून से करीब 30% ज़्यादा और सामान्य पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा से करीब 16% तक ज़्यादा होती है। यानी यदि सामान्य पूनम की रात को चंद्रमा 100 वाट के बल्ब की रोशनी देता है तो पेरिजी स्थिति में वही 116 वाट के बल्ब जितनी रोशनी देगा। इस स्थिति को आप यूं भी समझ सकते हैं कि 100 वाट का बल्ब आपसे 5 फीट की दूरी पर जल रहा हो तो उसकी रोशनी आपके चारों ओर ज़्यादा होगी, वहीं यदि ये बल्ब 30 फुट की दूरी पर हो तो रोशनी हम तक कम पहुंचेगी। पेरिजी की स्थिति में चंद्रमा के पृथ्वी के केंद्र से निकट होने के कारण उसका आकार और रोशनी दोनों ही बढ़ जाती हैं। इसलिए पेरिजी की स्थिति में पूनम के चांद को सुपर मून कहा जाता है। पेरिजी की स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के केंद्रों के बीच की दूरी करीब 360,000 किलोमीटर होती है। सामान्य स्थिति में यह दूरी 382,000 किलोमीटर होती है। इस साल और पिछले साल बुध पूर्णिमा पर सुपर मून था। सुपर मून नाम कोई आधिकारिक खगोलीय नाम नहीं है। यह नाम गणना के आधार पर पहली बार 1979 में खगोल शास्त्री रिचर्ड नोल ने उपयोग किया था। हर बुध पूर्णिमा पर ही सुपरमून हो ऐसा नहीं है। यह समय घूर्णन गति के अनुसार बदलता रहता है। सामान्य पूर्णिमा से सुपरमून वाली पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी ज़्यादा रहने से इस दिन रात्रि को वन्य जीवों की गणना के लिए बेहतर रोशनी मिलती है।